हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK त्रिपाठी क्लासेस। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं क्लास 12th NCERT की बुक से चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से बना रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 में यूज होने वाले फार्मूले को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल मैंने कॉट इनवर्स -1/√3 सवाल होमवर्क में दिया था, जिसका आंसर कई स्टूडेंट ने हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कमेंट भी किया, जिनमें से दो स्टूडेंट टॉप में हैं, जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूं। दोस्तों, पहला स्टूडेंट है सनी कुमार, अगला स्टूडेंट है कदम सिंह, और इन लोगों ने सही आंसर दिया है क्वेश्चन का 2π/3। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने फार्मूले पहले से लिख लिए हुए हैं, क्योंकि आपके सामने लिखने में काफ़ी टाइम लगता और आपका टाइम वेस्ट होता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फार्मूले हैं cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर π/2। फिर यानी दोस्तों, जब कभी हमको cos इनवर्स x और sin इनवर्स x प्लस में दिखे तो वहाँ पर π/2 आ जाएगा। जब कभी cot इनवर्स x और tan इनवर्स x प्लस में दिखे तो वहाँ पर आंसर π/2 आ जाएगा। और sec इनवर्स x cosec इनवर्स x साथ में दिखे तो वहाँ पर आंसर π/2 आ जाएगा। वैसे दोस्तों, ये याद करना बहुत आसान है कि हम लोग cos और sin को साथ रखेंगे, cot tan को साथ रखेंगे और sec cosec को साथ रखेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत आती है तो आप इसे cosine cota seco से याद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? cosine cota सेको, कोसाइन का मतलब दोस्तों कॉस और साइन, कोटा मतलब कॉट और टैन, सेको मतलब सेक और कॉसेक। इस तरह दोस्तों आप इनको याद कर सकते हैं। आगे के फार्मूलों में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में एक्स √1 - y² प्लस वाई √1 - x². तो दोस्तों, इस तरह आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में x √1 - y² माइनस वाई √1 - x² कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई माइनस √1 - x² इंटू √1 - y² cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई प्लस √1 - x² इंटू √1 - y². दोस्तों, आपको याद रखना है cos वाले फार्मूले में कि जब कभी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो, जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन वाले में ऐसा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर प्लस हो वहाँ के फार्मूले में प्लस हो जाएगा, जहाँ माइनस हो वहाँ के फार्मूले में माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला फार्मूला है हमारा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y। अगला फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + x y। दोस्तों, जहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है वहाँ पर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन इस फार्मूले में यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 / x + y। अगला फार्मूला cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 / y - x। अगला फार्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला फार्मूला दोस्तों, 3 टैन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब। फिर अगला 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टैन इनवर्स x बराबर टैन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये फार्मूले काफ़ी बड़े हैं और याद करने में कठिन हैं, तो आपको ये याद कैसे होंगे? दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ज़्यादातर फार्मूले याद नहीं किए जाते, बल्कि जैसे जैसे हम सवाल लगाते रहते हैं उन फार्मूलों को यूज करके वैसे वैसे हमें फार्मूले याद होते चले जाते हैं। दोस्तों ये फार्मूले ना आपको आज याद होंगे ना कल याद होंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, जैसे जैसे आप इनको यूज करेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये अपने आप बैठते जाएंगे। अब दोस्तों ये हमारे फार्मूलों की बात हो गई है, अब अगर सवाल में कहीं भी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखते हैं तो इस तरह के सवाल दोस्तों हमको प्रतिस्थापन करके लगाया जाता है, यानी कि ए या एक्स के स्थान पर हमें कुछ रखना होगा। अब चूंकि दोस्तों ये ए हमारा नियत है, यानी ए की जगह हमारी कोई संख्या होगी, 1, 2, 5 ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन एक्स की जगह हमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। एक्स बराबर ए टाइन थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे। क्या दोस्तों अगर हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो हम लोग को एक्स की जगह ए टाइन थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिख जाए तो हमें एक्स बराबर ए साइन थीटा और या ए कॉस थीटा रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं दिख जाए तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा हम लोग रखेंगे। दोस्तों इन सभी फार्मूलों की स्क्रीनशॉट मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूंगा। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उनका आंसर या तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं या तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने पर हम आपके डाउट का निदारण करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, फिलहाल हम लोग बाकी के वीडियो में जो मैंने आपको फार्मूला बताए हैं उन फार्मूले पर बेस्ड मैं कुछ सवाल आपको बताने वाला हूं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। दोस्तों इस सवाल को हमें सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर RHS करना है। तो दोस्तों हम लोग LHS को हल करके RHS की तरफ लाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम लोग इसको x मान लेंगे और इसको हम लोग y मान लेंगे, यानी 1/2 को x और 2/11 को y मान लेंगे। अब इस फार्मूले पर हम लोग इसको रखेंगे। क्या है दोस्तों, टेन इनवर्स x प्लस वाई, x क्या माना है दोस्तों 1/2 और y क्या माना है 2/11, 1 माइनस x क्या माना है 1/2 इंटू 2/11। अब दोस्तों यहाँ पर 11 और 2 का लासा ले लेंगे, इसी तरह नीचे भी इनका लासा ले लेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ इसका लासा आएगा 22, यहाँ 2 11 मतलब 11 प्लस 11 2 22 2 2 4 गुड़े 11 2 22। दोस्तों आप लोग इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। 22 माइनस 2 बटे 20। अब दोस्तों ये 22 से 22 कट जाएगा और यहाँ पर टेन इनवर्स 11 प्लस 4 बराबर 15 और बटे 20 आ जाएगा। जब दोस्तों हम इसे 5 से काटेंगे तो आंसर में हमें टेन इनवर्स 3/4 मिल जाएगा, जो हमारा RHS के बराबर है।
इसी तरह दोस्तों हम लोग एक और सवाल देखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको फार्मूले पसंद आ रहे हो, आपको हमारे सवाल पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। कम से कम एक दोस्त के पास तो शेयर कीजिए ही। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पीछे देखा है, इसी फार्मूले से हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। कैसे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स। अब दोस्तों इसको हम लोग एक्स मानेंगे और इसको हम लोग वाई मानेंगे। तो एक्स में हमारा क्या है? एक्स में हमारा 3/5 गुड़े रूट के अंदर 1 माइनस वाई की जगह 5/13 यानी कि 25/169 यानी 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग हमारा 169, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना कि वाई, प्लस वाई, वाई मतलब 5/13 गुड़े रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? 3/5 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9/25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 गुड़े, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 169 लास्ट से ले लेंगे, 169 माइनस 25 करेंगे तो ऊपर हमारा 144 बटे नीचे 169 आ जाएगा। जब दोस्तों हम लोग 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा और नीचे हमारा 169 का वर्गमूल 13 आ जाएगा, प्लस 5/13 गुड़े रूट वन, अच्छा 25 - 9 यानी 16/25 आ जाएगा। फिर दोस्तों सॉल्व करने पर हमें साइन इनवर्स 36/65 प्लस 20/65 मिल जाएगा। 65 इसका लासा ले लेंगे, तब दोस्तों 36 प्लस 20 बराबर साइन इनवर्स 56/65 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम सही है। इस तरह दोस्तों आप लोग फार्मूले के यूज करके और सवाल को क्रमबद्ध तरीके से लगाकर सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल है टैन इनवर्स 5 माइनस टैन इनवर्स 3 प्लस टैन इनवर्स 7/9। सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक के सवाल को हल करते हैं, फिर यहाँ पर जितना आएगा उसको और इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने पर यहाँ फार्मूला मैंने आपको बताया है टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, उसी फार्मूले पर हम लोग इसको रख देते हैं। टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई यानी 5-3 अपॉन 1 प्लस 5 × 3 यानी 15 प्लस टैन इनवर्स 7/9। अभी दोस्तों हम लोग इसको नीचे तरह लिखते चले जाएंगे, फिर अंत में इसका यूज करेंगे। टैन इनवर्स 2/16 प्लस टैन इनवर्स 7/9, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे तो टैन इनवर्स 1/8 प्लस टैन इनवर्स 7/9। अब दोस्तों ये सवाल हम लोग अपने पिछले फार्मूला टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई से हल कर सकते हैं, यानी टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई
हल करने पर दोस्तों आप लोग इसका 972 लासा लेकर इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर 65/72 इसको हल करने पे आएगा। फिर 72 से 65 कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी tan इनवर्स कोष्ठक के अंदर 1। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक का मान tan के पद में tan 45 का यानी tan पाई बाई 4 का होता है। पाई बाई 4 यहाँ पर tan से tan कट जाएगा और आंसर में हमारा पाई बाई 4 आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आपने कुछ फार्मूले और कुछ सवाल समझ लिए हैं। आज का दोस्तों हमारा होमवर्क है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4। इसे दोस्तों हम लोग हल करके s का मान निकालना है। ये दोस्तों हमारे आज का वीडियो का होमवर्क, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। इस सवाल को हमें हल करके s का मान निकालना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल आ जाएगा। फिलहाल मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला रख के इसको निकाल लेना है। फिर tan इनवर्स को हम लोग उस साइड भेज कर इसका मान निकाल लेंगे। फिर इस तरह हमारा s का मान आ जाएगा। फार्मूला लगाने के लिए हम लोग 2x को x और 3x को हम लोग y मानेंगे, तब हमारा सही आंसर निकल पाएगा। दोस्तों इस वीडियो का इसका सवाल का आंसर हमें कमेंट करिए या YouTube पर या तो फिर हमें Instagram पर मैसेज कर सकते हैं। Instagram की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सही आंसर देने वाले स्टूडेंट का नाम और उसकी फ़ोटो हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इस तरह के जब और वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।